गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू स्टैनो हेल्पलाइन स्टैनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन जो कि है अस्सी शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से हिंदुस्तान के डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे उसके भी मिल जाएंगे क्योंकि आज के डिक्टेशन स्पेशली दली बेस्ट था Uh, जो यूज़फुल नहीं था, था ज़्यादा इसलिए मैंने नहीं दिया कल ज़रूर प्रयास करेंगे हिंदुस्तान के डिक्टेशन देने के लिए इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए प्रोवाइड कराई जाती है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर हमें कमेंट करें कमेंट में आपको रिप्लाई करा जाएगा कि क्या है कैसे ज्वाइन करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं असी शब्द प्रति डिक्टेशन स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट स्टार्ट अठारहवीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण न केवल विश्वास जगाने की अच्छी कोशिश है बल्कि सत्ता पक्ष की राजनीति का भी स्पष्ट संकेत है राष्ट्रपति ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया परीक्षाओं के साथ निरंतर हो रहे खिलवाड़ की वजह से किशोरों और युवा पीढ़ी में चिंता व्याप्त है शिकायतों के प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित गड़बड़ी का उल्लेख किया और वादा किया कि उनकी सरकार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करेगी वास्तव में युवा पीढ़ी और देश यही चाहता है कि परीक्षाओं को चाक चौबंद बनाया जाए उनसे खिलवाड़ करने वाले रसूखदारों के दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब मिलना ही चाहिए राष्ट्रपति ने सही कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करने की जरूरत है पैरा राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदस्यों को सलाह दी है कि सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाए यह बात छिपी हुई नहीं है कि संसद का समय बड़े पैमाने पर हंगामे की भेंट चढ़ता है राष्ट्रपति की इस सदीक्षा का सम्मान सांसदों का कर्तव्य होना चाहिए विरोध अपनी जगह है जहां सांसद सहमत नहीं होंगे वहां उन्हें नाराज़गी जताने में हिचकना नहीं चाहिए पर सदन में अनावश्यक शोर करना मात्र विरोध के लिए विरोध करना बंद हो जाना चाहिए देश की सर्वोच्च पंचायत फिजूल की टीका टिप्पणियों के लिए कतई नहीं है अठारहवीं लोकसभा में अगर कम से कम हंगामा और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तो देश की तरक्की को बल मिलेगा हंगामा या समय की बर्बादी सत्ता पक्ष की वजह से हो या विपक्ष की वजह से नुकसान देश को होता है राष्ट्रपति ने सांसदों को याद दिलाया है कि सदन के सभी सदस्यों के लिए लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी संकेत दिया है कि सरकार आगामी बजट के दौरान कई बड़ी योजनाएं करेंगी पहले से ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने वाला हो सकता है इससे देश में आर्थिक सुधार की गति बढ़ेगी यहाँ लोग यही उम्मीद करेंगे कि आर्थिक सुधार आम लोगों के अनुरूप हों कंपनियों की सुनवाई हो पर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए सुधार के कदम उठाए जाएं ऐसे कदम जरूरी हैं जिनसे रोज़गार में वृद्धि हो डिक्टेशन समाप्त हुआ एक जगह मैंने हाँ ये फ़ोन नंबर पे बजट के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करेंगी तो मैंने घोषणा की जगह योजना बोल दिया है तो आप लोग एक शब्द को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइएगा इसे इग्नोर करिएगा या फिर करेक्ट कर लीजिएगा और हाँ यदि आप चाहते हैं कि अस्सी के साथ साथ सौ शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन दिया जाए एक दैनिक जागरण और दूसरा आ, एडिटोरियल जनसत्ता का दिया जाए या एक जनसत्ता और दूसरा संपादकीय का दिया जाए तो हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड प्लस हो गया तो हम स्टार्ट कर देंगे तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ऐसा पॉसिबल हो और हम पुनः स्टार्ट करें धन्यवाद